हेलो फ्रेंड्स, ओम प्लस बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एक और स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहने वाला है और आज जिस स्पेसिमेन के ऊपर हम लोग हमारे वीडियो में चर्चा करेंगे वो रहेगा लीच। तो लीच के बारे में हम सब जानते हैं और लीच जो है एक बहुत ही कॉमन टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि रेन वाटर यानी कि जब बारिश होती है तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अगर मैं लीच की बात करूं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, लीच बिलोंग्स टू द फाइलम एनेलिडा, राइट? एंड लीच जो है एक सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है। तो लीच के सेगमेंट्स ही उसके सबसे बड़ी खासियत है। तो सेगमेंट्स बोले तो आप बहुत सारी लाइंस इसके ऊपर देख पा रहे हैं और ये बहुत सारी लाइंस इसकी बॉडी को 33 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हेंस लीच हैज 33 सेगमेंट्स। अब हम बात करते हैं लीच के कुछ फीचर्स के। तो लीच जो है वो सैंगिवोरस ऑर्गेनिज्म है। सैंगिवोरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि ब्लड पर फीड करते हैं एंड लीच जो है फिशेस से लेकर कैटल्स तक एंड कैटल से लेकर ह्यूमन तक किसी के भी ब्लड पर फीड कर सकती है। लीचेस जो है जनरली फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन ये कुछ इसकी जो स्पीशीज है वो सॉल्ट वाटर या मरीन वाटर में भी पाई गई है। इसके अलावा अगर मैं लीच की बात करूं, इट हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जनरली जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हमने बहुत वीडियोस में डिस्कस किया है, वी हैव हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, एंड जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। हाउएवर लीच में कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, देयर इज जस्ट अ सिलोमिक कैविटी और उसके अंदर ब्लड इज रिप्लेस्ड विद अ सिलोमिक फ्लूइड एंड इस सिलोमिक फ्लूइड में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। इसीलिए जब हम इरिटेट होकर लीच को किल कर देते हैं सो ब्लड अपीयर्स टू बी रेड बट इट्स नॉट ब्लड, इट इज सिलोमिक फ्लूइड। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है लीचेस का, इट इज द सकर्स। सो दो टाइप के सकर्स लीच में पाए जाते हैं, एंटीरियर सकर एंड पोस्टीरियर सकर। तो एंटीरियर मीनिंग ऊपर एंड पोस्टीरियर यानी नीचे। तो अगर हम एंटीरियर सकर की बात करें तो कुछ 4 or 5 सेगमेंट्स फ्यूज होकर एंटीरियर सकर बनाते हैं एंड लास्ट के 7 सेगमेंट्स फ्यूज होकर पोस्टीरियर सकर की फॉर्मेशन करते हैं। अब सकर्स का क्या रोल है? सकर्स का रोल जैसा कि नेम सजेस्ट करता है ब्लड को सक करना होता है एंड ऑल्सो लीच को लोकोमोशन देना, मतलब कि लीच एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कैसे माइग्रेट करेगी, दैट इज थ्रू द सकर्स। तो ये हमारा था एक बहुत ही जनरल डिस्क्रिप्शन लीच के बारे में और आप लीच को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे ओम लैब्स के इस लाइव स्पेसिमेन लीच मॉडल की मदद से। इस स्पेसिमेन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।